पपाया लीफ कर्ल वायरस, ये वायरस है पपाया लीफ कर्ल जो रोग है, पर्णकुंचन रोग जो है ये पपाया लीफ कर्ल वायरस से होता है, PLCV। पपाया लीफ कर्ल वायरस जो है पहली बार तमिलनाडु में से रिपोर्ट किया गया था। ये इसकी सिस्टमिक पोजीशन लिखी है, सबसे जो प्रोमिनेंट है इसका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है लीफ की रोलिंग, लीफ जो है नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मुड़ती है, नीचे झुकेगी और अंदर, तो क्या होता है ये ऐसे लगता है कि उल्टा कप रख दिया है। और वेन पर जो पत्तियों की शिराएं होती हैं उन पर ये मोटी होने लगती है, थिकनिंग, शिराओं की शिराएं जो है मोटी होने लगती हैं, ठीक है। और जब एडवांस स्टेज आती है यह, तो पत्तियां पूरी गिर सकती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। फिर अब ग्रोथ रुक गई तो फ्लावर और फ्रूट भी रुक जाएंगे, और शेप, अगर फ्रूट आते भी हैं तो वो डिस्टॉर्टेड, उनकी शक्ल बिगड़ी हुई होती है और अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जाते हैं। ये PLCV से अफेक्टेड प्लांट है, ये देखिए ये पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही है, ये नीचे है और अंदर की तरफ फोल्ड हो रही हैं, ठीक है। ये इसका PLCV के लक्षण है। इसको ये फैलती कैसे है, वायरस को फैलने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, वायरस के पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, वो किसी ना किसी माध्यम से फैलता है। तो ये वायरस जो है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, आप इंसेक्ट्स इन एंटोमोलॉजी में आपने इसको पढ़ा होगा, सफेद मक्खी इसकी बिमिसिया टबेसाई, इसका जूलॉजिकल नेम है बिमिसिया टबेसाई, इसके द्वारा फैलता है। PLCV का वाहक है सफेद मक्खी। दूसरा इन्फेक्टेड सीड, संक्रमित बीज और सीडलिंग्स, और जो ग्राफ्टिंग के लिए साधन होता है वो इसका साधन, इसको फैलाने का काम भी करते हैं। इसके बाद इसका रोकथाम के लिए क्या करें, जैसे ही आपको डिजीज के पपाया के ऊपर दिखाई दे उस प्लांट को शुरुआत में ही उखाड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए, उसके आसपास एकांतर पर पोशी को ना उगाएं। ये जो है इसका, ये जो लीफ कर्ल वायरस है ये टोमेटो, टमाटर और तंबाकू पर एकांतर पर पोशी का काम करता है, मतलब अगर पपीता नहीं मिलेगा तो ये इस पर सरवाइव करेगा। तो इसके आसपास, पपाया के आसपास आप टोमेटो और टोबैको ना लगाएं। इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करें, क्योंकि वाह कौन है इसका, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी को मारने के लिए क्या चाहिए, कीटनाशक, तो कीटनाशक का टाइम स्प्रे करें, छिड़काव करें। इसका मैनेजमेंट क्या है, बायोलॉजिकल में स्प्रे विद ऑयल इमल्सन, केमिकल में ये है आपका कार्बोफ्यूरोन, कार्बोफ्यूरोन आपका इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा इन्होंने बताया है 4 से, ये कार्बोफ्यूरोन जब आप बीज को बो रहे हैं, और उसके बाद पर्ण स्प्रे, फोलियर स्प्रे करें डाइमेथोइड मेटासिस्टॉक्स एट द इंटरवेल ऑफ 10 डेज। अगर व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो डिजीज ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी, क्योंकि इसका वाहक है व्हाइट मक्खी, व्हाइट फ्लाई, तो मक्खी मर जाएगी तो ये वायरस ऑटोमेटिक मर जाएगा।